प्रिय विद्यार्थियों, ये कक्षा छठी का समाज विज्ञान है इतिहास। हमारे अतीत एक अध्याय चार क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें हैं। और इस समय आप देख रहे हैं वीडियो स्टूडेंट पोर्टल यूट्यूब चैनल पर। प्रश्न नंबर एक है, निम्नलिखित को सुमेल करो। यहां मैंने सुमेल कर दिया है तो सूक्त के साथ में आएगा अच्छी तरह से बोला गया। रथ, रथ का होगा युद्ध में प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर मैंने सही जोड़िया बना दी है। यज्ञ का होगा अनुष्ठान से सुमेल। दास का होगा गुलाम से। महापाषाण का सजाए गए पत्थर से। प्रश्न नंबर दो, वाक्यों को पूरा करो। क है, देखो यहाँ पर ये जो रंगीन शब्द है ये खालिस्तान की जगह सही शब्द आएंगे और वाक्यों को अपनों ने पूरा किया है। तो क है, विभिन्न कार्यों के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। ख है, दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में महापाषाण पाए जाते हैं। ग, जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाने का काम करते थे। घ, पोर्ट होल का इस्तेमाल पत्थरों से बने हुए कमरों में जाने के लिए होता था। ड, इनाम गांव के लोग अनाज, फल और मांस खाते थे। तो यहाँ पर जो ये रंगीन शब्द हैं, यहाँ पर ये खालिस्तान थे और खालिस्तान को सही शब्दों से भरा है। प्रश्न नंबर तीन, आज हम जो किताबें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से कैसे भिन्न हैं? इसका उत्तर है, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी या छापी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। मतलब ऋग्वेद पुस्तक के रूप में नहीं थी, वो ऋषि मुनियों को जो ऋग्वेद का ज्ञान था वो दूसरों को सुनाते थे, तो दूसरे श्रवण करते थे, वो तीसरे को सुनाते थे। तो ऋग्वेद जो है पुस्तक के रूप में या लिखी हुई है छापी नहीं गई थी। और अभी हम जिन किताबों को पढ़ते हैं या तो वो हाथ से लिखी हुई है या लिखकर छापी गई है। प्रश्न नंबर चार, पुरातत्वविद कब्रों में दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक अंतर का पता कैसे लगाते हैं? तो इसका उत्तर है, पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती है। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र से 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं, जबकि दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यह दफनाने के लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब। प्रश्न नंबर पांच, एक राजा का जीवन दास या दासी के जीवन से कैसे भिन्न होता था? तो इसका उत्तर है, एक राजा का जीवन कैसा होता था? ये राजा वैसे नहीं थे, ये न तो बड़ी राजधानियों या महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। और दास या दासी का जीवन कैसा था? दास वे स्त्री या पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। प्रश्न नंबर छह, पता करो कि तुम्हारे विद्यालय के पुस्तकालय में धर्म के विषय पर किताबें हैं या नहीं। उस संग्रह से किन्हीं पांच पुस्तकों के नाम बताओ। इसका उत्तर है, हाँ, हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में धर्म के विषय पर किताबें हैं। उस संग्रह से किन्हीं पांच पुस्तकों के नाम निम्नलिखित है। पहला है मर्यादा पुरुषोत्तम
भगवान श्री राम, दूसरा है मोहम्मद पैगंबर का जीवन, तीसरा है यीशु मसीह के संदेश, चौथा है गुरु नानक जी के उपदेश और पांचवा है जैन धर्म के 24 तीर्थंकर। प्रश्न नंबर 7, एक याद की हुई कविता या गीत लिखो। तुमने उस कविता या गीत को सुनकर याद किया था या पढ़कर? तो उत्तर है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जाए वीर ने। तो ये याद की हुई कविता की 4 लाइन है और इस कविता को सुनकर याद किया था। ये अक्सर 15 अगस्त और 26 जनवरी पर ये कविता जो है गाने के रूप में हम सुनते हैं या जानते हैं इसके बारे में। प्रश्न नंबर 8, ऋग्वेद में लोगों का वर्गीकरण उनके कार्य, उनके भाषा के आधार पर किया जाता है। नीचे की तालिका में तुम 6 परिचितों के नाम भरो। इनमें 3 पुरुष और 3 महिला होने चाहिए। प्रत्येक का पेशा और भाषा लिखो। क्या तुम उस विवरण में कुछ और जोड़ना चाहोगी? तो देखो, यहाँ पर यहाँ कालम जो पुस्तक में दिए थे वो दिए थे नाम, कार्य, भाषा और अन्य। मैंने यहाँ पर एक कालम जोड़ा है क्रमांक, ताकि कितने लिखना है, 6 लिखना है तो 3 पुरुष और 3 महिला के बारे में लिखना है। तो यहाँ मैंने क्रम दे दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो नाम पहले पे है पुरोहित, धार्मिक अनुष्ठान करना इसका कार्य है, भाषा होती है संस्कृत और पुरोहित को ब्राह्मण भी बोला जाता है। तो ये पुरुष इसमें है, पहला पुरुष है ये। दूसरा पुरुष है सरदार, ये बहादुर होता है और कुशल योद्धा रहता है। तो ये योद्धा का काम करता है और योद्धाओं में जो सबसे मुख्य रहता है वो सरदार होता है। इसकी भाषा जो है वो क्षेत्रीय होती है, मतलब जहां का निवासी हो वैसी भाषा। और इसका अन्य नाम क्या है सरदार का? अन्य नाम योद्धा। नंबर 3 है राजा, और राजा का काम क्या है, कार्य क्या है? शासन करना। और भाषाएं विभिन्न भाषाएं बोलते हैं ये। और इनका दूसरा नाम क्या है? प्रजापालक, जो प्रजा की रक्षा करता है, प्रजा का पालन करता है, उसको बोलते हैं अपन राजा। चौथा है गृहिणी, इसका कार्य है घरेलू कार्य करना, भाषा होती है क्षेत्रीय। और अन्य नाम जो है वो है गृहलक्ष्मी। नंबर 5 दासी, देखो नंबर 1, 2, 3 ये पुरुष में है और बाद में 3 है, 4, 5, 6 ये महिला में है। तो चौथा है गृहिणी, ये घरेलू कार्य करना, क्षेत्रीय और गृहलक्ष्मी। पांचवा है दासी, दासी है मालिक के आदेश मानना, ये इसका कार्य है। और भाषाएं विभिन्न है और क्षेत्रीय भी है। और अन्य में है गुलाम, तो दासी जो है वो एक गुलाम है। और जो जैसे मैंने पहले बताया था, देखो यहाँ पर दास वे स्त्री या पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था, उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वो सब करना पड़ता था। छठा है गुरु, ये भी महिला में है, ज्ञान देना है, गुरु का काम ज्ञान देना है। वो भाषा है संस्कृत। और ये जो है रामायण में एक गुरु है गार्गी बचकनवी, ये महिला है। तो ये 6 नाम हो गए यहाँ पे, 3 पुरुष और 3 महिला। प्रत्येक का पेशा और भाषा लिख दी है। और अन्य में ये चाहो तो आप याद करो या ना करो, अन्य में ये जानना जरूरी इनसे संबंधित है। तो आपने देखा ये कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान, इतिहास हमारे अतीत 1 अध्याय 4 क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, ये इसके प्रश्न उत्तर हैं। चाहो तो इसको एक बार और फिर से देख लो।
देखो यहाँ पर जो 33 सोने के मनके और शंख हैं और दूसरी तरफ है मिट्टी के बर्तन, तो जिस कब्र के पास में महंगी चीजें रहती है उससे ये पता चलता है कि वो अमीर व्यक्ति की कब्र है, और जिस कब्र के पास में मूल्यवान चीजें न हो तो ये माना जाता है कि वो गरीब व्यक्ति की कब्र है। इसे याद कर लेना, मुझे तोड़ लेना बदमाली उस पथ पर देना तुम फेर, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।